नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, योगेश रतोड़ी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हमारी आज यात्रा हो रही है अपने घर की गांव जा रहे हैं आज हम। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो हम निकलना है दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे आपके रास्ते में। हम पहुंच चुके हैं कटिहार। आई है परी। पहले ब्लॉग से योगेश प्रतोड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ संतोष। और आज मैं आया हूँ अपने गांव चमोली जिले के करणप्रयाग ब्लॉक की छोटे से गांव से ग्राम सिरागाड़ में। और आज आपको अपने गांव की शेयर कराने वाला हूँ दोस्तों। तो आज आपको जो है गांव से रूबरू कराया जाएगा। पहले तो मैं आप सब भाई बहनों से नमस्कार। और आज जो आप ब्लॉग का शुरुआत करूँ मैं और आप सबको प्यार चनी आप अपनों गांव को शेयर करने वो छे मैं तो जुड़े रहिए। तो नमस्कार। सर्दी भी लग गई है, थोड़ा ठंड बहुत हो रही है गांव में। और जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि काफ़ी लंबे टाइम बाद में जो ब्लॉग बनो छो आप तक नए ब्लॉग लेके आए छो। और आप मुझे सीधे दिख सकता कि एक नदी छ हमारी, मतलब जितने गजर बोलता ये गदोर च। और एक पिछड़े भी फिर गदोर च दुई गदर मिलता है एका। और ये पिछड़े हमारे गाँव च बहुत सुंदर गाँव च, देखा आप भी देख सकता। और कति सुंदर हरियाली च ये गाँव में आप देख सकता कि हरा भरा खेत च, ये पानी वाली जगह च। और जो च आप रोड बहुत आप हाईवे से काफ़ी नज़दीक हुएगी हमारे गाँव। पहले तो बहुत दूर बैठे आने पड़ते थे एक गाँव में, करीबन 10-12 किलोमीटर पैदल चलते आने जो पड़ते छो। लेकिन सरकार कोशिश जो करी कि आज जो हमारे गाँव में रोड जा काफ़ी सुंदर, मतलब अब जो डेवलप होना, मतलब फ्यूचर जो है डेवलप रहेगा, अच्छा फ्यूचर रहेगा, ये हम कामना करते हैं जो है। और जो दोस्तों ठीक पहाड़ी देख पा रहे हैं आपकी, कितनी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे खेल हैं। और जैसे कि आप, मैं हर ब्लॉग में आपसे जुड़ा रहता हूँ, ब्लॉग में आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे कि हमारा जो है अच्छे से अच्छा जो है ब्लॉग जो है अच्छे से अच्छा बनाए रहे, ये मैं आपसे रोज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, चीड़ की पेड़ जिसको बोलते हैं, चीड़ के पेड़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे जो गांव आप देख पा रहे हैं कि गांव में जो है काफ़ी अच्छी हरियाली है, हरा भरा खेत। और जो आजकल जो मेरे ख्याल से गेहूं की लगाई हुई है। और तो मैं अभी शाम अभी हूँ 10 बजे को टाइम हूँ सवेरी। और जो दोबारा नए जो ब्लॉग अभी स्टार्ट करने लगे मैं, आप सबको प्यार होते चैनी। और जो मुलाकात कर दिला आप तक गाँव तक घूम लगे, ठीक है, फिर मिलता दोस्तों। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी है और मेरे भाई की बड़ी लड़की। और देखो आज कितना शर्मा रही है। और आज हम जो है ब्लॉग बना रहे थे तो परी बोल रही कि हमें चाचा मेरे को भी ब्लॉग बनाना है। तो परी देखो आपको गांव कैसा लगा परी? बहुत अच्छा। इधर देखो ना, देखो आपको गांव कैसा लगा परी? बहुत अच्छा लगा। और कैसा लगता है अपना गांव जो है, कैसा लगा आपको? कितने टाइम बाद आ रहे हो आप गांव? बहुत टाइम बाद। कितने टाइम बाद? सालों के बाद। हाँ देखो तो परी को जो है गांव बहुत प्यारा लगा दोस्तों, अच्छा गाँव और हरियाली बहुत है। और हम भी आए हैं गाँव में तो घूमेंगे, फिर इंजॉय करेंगे, इंजॉय क्या करते लेकिन घूमेंगे, अच्छे से घूमेंगे। और काफ़ी लंबे टाइम बाद अपने गांव आए हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। आप भी आए अपने गांव घूमिए, है ना परी? हाँ कितना अच्छा लग रहा ना गांव?
ठीक है, बाय बोलो दोस्तों। ओके थैंक यू। ये दोस्तों हमारा कितना सारा प्यारा सा गांव, थोड़ा अब थोड़ा बहुत विकास होगा धीरे धीरे। अभी तो रोड ही आई है, अब डामरीकरण रह गया है। बड़ा हाँ, अभी ऊपर चलता हूँ, फिर बाद में आऊँगा। हाँ बाद में आऊँगा, अभी ऊपर बना दी हूँ मैं। हाँ फिर आऊँगा। आओ ताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते। कब आ रहे हो? नमस्ते, हम तो कल आए। अच्छा और ठीक है? बढ़िया जी, आप कैसे हो? ठीक है जी, आप ना? अच्छा पूजा हो चुकी है संपन्न, अब हम जा रहे हैं घर, फिर आएंगे शाम को, कीर्तन होगा। कीर्तन का गांव में, और ये क्या है कि आज ही हमारे साथ आया है, और इसका नाम लक्की है ना? है लक्की, ये हमारे चाचा जी हैं यहाँ पे। और अब जो है हम आनंद लुप्त लेंगे, बाद में तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे दोस्तों। Yeah.